उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कहा यह जा रहा था कि 23 सीटें बची हुई हैं, बची हुई 23 सीटों पर अब चुनावी घोषणा होगी, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। इस बात का जिक्र हम सुबह भी कर रहे थे कि दूसरी सूची के बाद क्या तीसरी सूची आने की संभावना है, तो निश्चित तौर पर अब जो दो सीटें बची हुई हैं उस पर चिंतन मंथन लगातार जारी है। इन दो बचे हुए नामों का ऐलान जल्द ही सामने हो सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से परिस्थिति है उन परिस्थितियों में लग रहा है कि यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। और आपने सही कहा कि हम जो सुबह चर्चा कर रहे थे प्रगति जी कि दो सीटों दो बार सूची आएगी या तीन बार सूची आएगी, तो उसमें हमको परिस्थिति कुछ ऐसी दिखाई दे रही है कि तीन बार अब ये हो चुकी है, तीसरी सूची जब आएगी सामने तभी इसके बारे में पता चल पाएगा। और अभी फिलहाल स्थिति यह है कि तीन सीट अब दो सीटों का और नाम आना सामने बाकी है और अब कब तक वो नाम सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि इन दो सीटों पर बीजेपी अपने कौन से उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी, कब तक इन नामों का खुलासा होगा। बने रहिए ललित जी आप हमारे साथ, हम एक बार फिर लौटेंगे आपके पास, खबर पर नजर बनाए रखिएगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथूरे जी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। देवेंद्र जी, हरियाणा के लिए बीजेपी ने दूसरी सूची जारी कर दी है, इस बार 21 नामों का ऐलान हुआ है, बची हुई दो सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। देखिए प्रगति, दो घंटे पहले मनोहर लाल अभी पानीपत आए थे प्रमोद विज का नामांकन दाखिल कराने। आज मनोहर लाल पानीपत आए थे, प्रमोद विज विधायक का नामांकन दाखिल कराया। उन्होंने कहा कि आज 13 जगह पे मेरे को नामांकन दाखिल कराना है। और लाडवा भी गए हैं, वो सीएम नायल सिंह सैनी का नामांकन, उन्होंने कुल मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा बीजेपी उम्मीदवारों का नामांकन कराने आज मनोहर लाल आए हैं। पानीपत में उन्होंने ये कहा कि आज बीजेपी की सूची आएगी और हम सबसे पहले सूची जारी करने वाले दल होंगे, सियासी दल। उन्होंने जैसा कहा दो घंटे पहले वैसा ही हुआ है, सूची आ गई है। मैं आपको बता दूं जो बची हुई सूची थी प्रगति, इसमें नारायणगढ़ से जो पवन सैनी को टिकट दिए गए, पवन सैनी दरअसल ये लाडवा से विधायक रहे हैं और बीजेपी के जिला महामंत्री थे, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं और लाडवा से विधायक थे पवन सैनी, वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उनको इस बार नारायणगढ़ दिया गया। और क्योंकि लाडवा खुद नायक सिंह सैनी आ गए तो नारायणगढ़ में पवन सैनी को टिकट दिए गए। पेवा की बात करें, जय भगवान शर्मा ये थानेसर से मांग रहे थे जहां से सुभाष सुधा को मिली है, लेकिन इनको कुशेतर जिले की पेवा विधानसभा पेवा में एडजस्ट किए गए। पुंडरी से सतपाल जांबा बहुत युवा नेता हैं और बहुत अच्छा काम किया, जांबा गांव को इन्होंने हरियाणा का नंबर वन गांव बनाया है, बहुत ज्यादा अच्छा गांव है जिसको देख रहे जैपनीज डेलीगेशन, खुद नायब सिंह सैनी भी गए थे, इनको भी टिकट का इनाम मिला है। असंध से योगेंद्र राणा, ये करनाल के जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, दूसरा कार्यकाल चल रहा है और मुख्यमंत्री जब थे मनोहर लाल उनके नजदीकी हैं और अब नायब सैनी के भी, चूंकि करनाल सीएम सिटी रही है तो जिला अध्यक्ष होना सीएम सिटी का दो कार्यकाल इनके चल रहा है दूसरा, तो इनको भी इनाम मिला है। असंध से टिकट दी गई है। गनौर में देवेंद्र कौशिक, सोनीपत से जो रमेश कौशिक का टिकट लोकसभा से कटा था, दो बार लगातार बीजेपी से सांसद बने, उनके छोटे भाई देवेंद्र कौशिक है, उनको गनौर से टिकट दिया गया है। हालांकि बड़े भाई सोनीपत से बीजेपी के सांसद है, जिनका टिकट कटा था उनको भी संतुष्ट किया गया है। राई से श्रीमती कृष्णा गहलावत, ये पूर्व मंत्री है, बंसीलाल सरकार में मंत्री होती थी हवीपा में फिर। और दूसरा जो सुमिता सिंह करनाल की दो बार की विधायक हैं, अब टिकट की फ्रंट लाइनर है, उनकी ये समधन है, कृष्णा गहलावत को राई से टिकट दी गए। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान, किशन सिंह सांगवान दो तीन बार सांसद रहे थे सोनीपत से बीजेपी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में या बाद में, तो प्रदीप सांगवान को जो सोनीपत में रहे हैं, सोनीपत के रहने वाले हैं, पूर्व सांसद के बेटे, उनको बड़ौदा में सेट किया गया। जुलाना में देखिए विनेश फोगाट जो कांग्रेस की उम्मीदवार है उनके मुकाबले उतारा है बीजेपी ने कैप्टन योगेश बैरागी को। नरवाना से कृष्ण बेदी जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं, पहले मंत्री थे पहले कार्यकाल में बीजेपी में, तो कृष्ण बेदी को शाहबाद से, क्योंकि उसको रामकरण काला को दिया गया टिकट, तो इधर नरवाना में इनको कृष्ण कुमार बेदी को उतारा गया। डबवाली से सरदार बलदेव सिंह, चूंकि डबवाली में सिख आबादी काफी है, डबवाली सिरसा से लगता है विधानसभा, वहां पे बलदेव सिंह मांगियाना को। एलनाबाद की बात करें अमीर चंद मेहता, इनका काफी प्रभाव है। और मनीष ग्रोवर जो रोहतक से पिछली बार बीबी बत्रा जो कांग्रेस के मौजूदा विधायक है उनसे हारे थे मनीष ग्रोवर, और मनोहर लाल के बहुत करीबी माने जाते हैं, उनको रोहतक से फिर टिकट दी गई मनीष ग्रोवर को। नारनौल से ओम ओपी यादव जो मंत्री रहे हैं
कार्यकाल में, इनको हालांकि बाद में हटाया गया, लेकिन ओम प्रकाश यादव राव इंद्रजीत के बहुत करीबी है, उनको भी टिकट मिला है। बावल से कृष्ण कुमार को दी गए, पटौदी बिमला चौधरी, बिमला चौधरी भी पुरानी राजनीति के। कुल मिलाकर ये आज 21 उम्मीदवारों की सूची आई है और अभी दो या तीन, दो और रहते हैं, दो जो सीटें फंसी हुई हैं जहां बहुत ज्यादा कशमकश है। मेरे को लगता है वो सीटें भी कल तक जरूर आ जाएंगी, लेकिन ज्यादातर मतलब 88 सीटें बीजेपी ने मैदान में उम्मीदवार उतार दिए। और मनोहर लाल ने जैसा दो घंटे पहले पानीपत में कहा कि आज हमारी सूची आ जाएगी, हम पहला वो सियासी दल होंगे सारे उम्मीदवार उतार देंगे, महज दो रह गए हैं, तो कुल मिला के ये भी अब तैयारी कर देंगे। और तीन दिन रह गए, मंगल बुध वीरवार, तीन दिन नामांकन रह गए। और आज बीजेपी एक तरह से टिकटों की कशमकश से बाहर आई है और चुनावी रैलियां, और 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिटी रोड बेल से शुरुआत कर रहे हैं उनकी रैली है प्रधानमंत्री की। हालांकि पिछले चुनाव में मोदी जी अहीरवाल से विधानसभा चुनाव की शंखनाद करते थे, इस बार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से 13 सितंबर को प्रधानमंत्री की पहली रैली है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, अब इनको तैयारी करनी है। आगे अखाड़ा कैसे सजता है उसका वो तब नजर आएगा जब कांग्रेस भी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार देगी। अब कांग्रेस पर दबाव है कि जल्दी से जल्दी उम्मीदवार अपने उतारे मैदान में। जी।